प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह के। कैसे आप सब, एक बार फिर से फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। और परमेश्वर ने बहुत खास वचन दिया है सभी के लिए, और समय निकाल कर जरूर देखना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना समझाना। प्रार्थना करो जिन्होंने उपवास रखा है पिता, उनकी सबकी शुद्धि लेना, और जो नहीं रख पाए उनके भी लेना। ये वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जो जिन्होंने उपवास रखा है परमेश्वर का आदर करते हैं, जो नहीं रख पाए कोई बात नहीं, परमेश्वर उनको भी आदर करते हैं, वो जानते हैं, लेकिन अगुवाई से ही रखना, क्योंकि प्रभु ने अपने परमेश्वर पर दास से क्या रखा है, तू उपवास रख तो आप रख रहे हो, समझ लो। आज प्रभु ने बहुत अच्छा और हमारा मन को स्थिर करने के लिए वचन दिया है। उपवास का सबसे बड़ा कारण होता है कि मैंने कहा ना, उपवास अलग अलग विषय पर रखे जाते हैं, पाप प्रायश्चित के लिए, प्रभु की खोज के लिए, समय प्रभु के साथ बिताने के लिए। लेकिन जैसा उपवास में है वैसे हम डेली ऐसे ही चले। जब तक उपवास चलेंगे मेरा फोन कॉल बंद रहेगा। आज प्रभु ने एक वचन दिया मुझे, और उपवास का ही वचन है वो। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संगति करना। बेशक आप काम करो, लेकिन प्रभु के साथ संगति में जरूर समय बिताओ। अपने फोन कॉल को उस समय के लिए बंद कर दो और परमेश्वर से ज्यादा संगति में आओ, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। हम तो बात करते हैं लेकिन प्रभु हमसे बात करते हैं, हमें पता नहीं चलता, तो हम मिलकर बात करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस उपवास बेटे के लिए, जैसा आपने बोला वैसे ही होगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंता है, शायद इस चिंता का हल है ही नहीं आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर के पास सबका हल है। लेकिन आपको लगता है चाहे बीमारी नहीं जा रही, क्लेश नहीं जा रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, रिश्ते नहीं लग रहे, कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं घट रहा, लेकिन आपने उपवास रखा, आपके घर में उपवास रखा, या आपने रखा, या भाई आपने ही रखा लेकिन प्रभु को दास रख रहा है, तो देखो उपवास का प्रतिफल क्या मिलता है। एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, दूसरा इतिहास 20:3 से पढ़ूंगा। यहाँ पे एक राजा है, या राजा योशपात, उस पर चढ़ाई हुई, चढ़ाई का मतलब उस पर युद्ध हुआ, वहां पे सैनिक आ गए। अब जब युद्ध होता है तो इंसान क्या करता है, यानी कि मुसीबत आती है तो वो ढूंढता है रिश्तेदारों को या आस पड़ोस को, यानी कि उनको फोन करता है कि ये मुझे बचा लेगा, तुरंत कॉल जाएगी, ये बीमारी आएगी डॉक्टर पे कॉल जाएगा, कोई भी होगा तो कॉल जाएगी, यानी कि हम दूसरों को ढूंढते हैं। जब राजा पे योशपात पे मुसीबत आई तो उसने मंत्री से सलाह नहीं ली, वो किसी मित्र के पास नहीं गया, वो अपने सैनिक के पास नहीं गया, वो कहाँ गया और उन्हें क्या करा। आज हम और आप जो ये कर रहे हैं इसका प्रतिफल यही है। दूसरा इतिहास 20:3 से पढ़ूंगा। तब योशपात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। डर तो सभी जाते, देखो डर तो आता ही है, लेकिन डर के बाद उसने जो कार्य करा वो निडरता का करा। हालेलुया। डर को हराने के लिए, अगर वो किसी मनुष्य का सहारा लेता तो मनुष्य को डरा सकता था, अरे उस पर तो बहुत सहना है, अरे वो तो जो मार देगा, डरा दे, डॉक्टर पे जाओगे डॉक्टर को डरा देगा, कहीं भी जाओगे, लेकिन पहले परमेश्वर के पास जाओ, वो आपको मनुष्य देगा, वो आपको मनुष्य देगा, लेकिन पहला जाना परमेश्वर के पास है। देखा है, तब वह डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। सब इकट्ठा हो गए, जैसे प्रभु ने कहा उपवास रखो, हम सब इकट्ठा हो गए। हालेलुया। इस चैनल पर प्रभु का धन्यवाद है, इस चैनल को भी प्रभु ने उपवास पर रखा, और ये परमेश्वर की इच्छा है। तो अब इसके बाद क्या होता है, जब उपवास रखता है परमेश्वर की सहायता करता है, तो देखो उन्हीं के अंदर से एक इंसान को खुदा का आत्मा गाइड करता है, वो क्या कहता है, इसी का मैं 13 से पढ़ूंगा। सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियां और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसपास के वंश में से यजेल नामक एक लेवी, जो यजेल का पोता, जकरिया का पोता पुत्र और बनिया का पोता और मिथिया के पुत्र के शैल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। अब परमेश्वर ने उन्हीं में से चुन लिया। हो सकता है आपकी मुसीबत हटाने के लिए प्रभु आपके घर में से, आपके पड़ोस में से, या कहीं से भी चुनकर वो दूत भेजे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदी और हे यरूशलेम के रहने वालों, हे इज़राइल के राजा योशपात, तुम सब ध्यान दो। अब प्रभु आपसे कह रहा है, ध्यान दो, इस समय इधर मत देखो, ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, अब हमसे और आपसे कह रहा है, यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना, तुम इस मुसीबत से, परेशानी से, चिंता से मत डरो, तुम्हारा मन व्याकुल, घबराए, चिंता ना करे। शादी होने वाली है तो पैसा नहीं है, शादी कब होगी, एज जा रही है, संतान नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही, कितना खुदा को मान रहे हैं फिर भी बीमारी आ रही है, ये मत डरो, युद्ध किसका है ये, तुम मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है,
कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते और यरूशलेम नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको यहोशापात को जिता दिया। तो जीत परमेश्वर की है, युद्ध किसका है? लिखा है साहब, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो आज प्रभु ने यह वादा करा है, तो जितने उपवास में हैं हम, बेशक आपने नहीं रखा कोई बात नहीं, मन छोटा मत करो, प्रभु के दास ने रखा तो आपने रखा, बस आपको मेरा साथ देना, प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना जरूर देखनी है, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाओगे तो शैतान वार कर देगा। परमेश्वर कम से कम ये तो कहेगा, उपवास नहीं रख पा रहे, कम से कम प्रार्थना में तो शामिल हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता इस वचन के लिए। मैं जानता हूं ये वचन हम सबके लिए लिख रहा है कि हमारी चिंताएं बहुत बढ़ गई थी, परेशान हो गई थी, जब हम उपवास के साथ तेरे खोज में लगे तो उन्हें कह दिया कि मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध हमारे नहीं आपका है, तो आप लड़ोगे हमारे लिए। बीमारी से, तकलीफ से, जाटों से, कर्ज से, श्राप से, अंधकार से, बुरे लोगों से, बुरी शक्तियों से, सबसे पिता, और आप हमें हाथ पकड़ के बाहर ले जाओगे और उन्नति करवाओगे, और सब कुछ जो आंसू हम बह रहे बाहर है पिता, चिंताओं में है, वो सब अपने आप हटा दी। धन्यवाद करता हूँ इस उपवास के लिए, धन्यवाद जिन्होंने रखा उनके लिए, धन्यवाद जो नहीं रख पाए पिता उनकी भी सुधि आपने लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो प्रार्थना में बैठे हैं, रिसीव कर रहे हैं और वो आनंद में जाएंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना युद्ध हमारा नहीं, हमेशा परमेश्वर का होता है, तो इसलिए पहले परमेश्वर की खोज करो, वो आपको रास्ता पर आप दे देंगे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।